हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैस्पा कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, फीचर्स कैसे हैं, टोकोनोमिक्स कैसी है इसकी, ये सारी चीज डिटेल में एनालाइज करके एंड देन वील गो टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। कितना जा सकता है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। सो वील स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। पहले तो इस कॉइन ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है डिस्पाइट ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन वेरी लेस एक्सचेंज। बहुत कम एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उसके बाद भी इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इवन मोर देन 100 अगर इसको किसी ने इनिशियल स्टेज में बाय कर लिया होगा पिछले साल जब ये लॉन्च हुआ था 2021 में। अब बात करते हैं अभी करंट में जो ट्रेड कर रहा है, 0.00886 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे तो 14.67 यानी 14.67 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 28.7 बिलियन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई तक पहुंचने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, यानी इसकी माइनिंग होती है प्रॉपरली और इसके लिए कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए इन ऑर्डर टू सिक्योर द नेटवर्क, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइन में एनर्जी खर्च होती है उसी तरीके से इसमें होती है। बट बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी अभी तक माइनिंग डिफिकल्टी उतनी नहीं है। बट डे बाई डे इट इज इंक्रीजिंग क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं। करंट में आप देखोगे तो मार्केट कैप इसकी 130.1 मिलियन डॉलर की है एंड इससे पहले काफी लो मार्केट कैप से स्टार्ट हुआ था एंड इसने अच्छी खासी मार्केट कैप आज की डेट में अचीव कर ली है। अगर इनकेस आपको बाय करना है तो कुछ ही सेंट्रल एक्सचेंज पर अवेलेबल है, जिसमें से MEXC ग्लोबल, कॉइनएक्स एंड टैक्सबिट TXBIT करके ट्रेड ऑग्रे इस पर ही अवेलेबल है, इसके अलावा कहीं पर अवेलेबल नहीं है। इवन यू कैन नॉट बाय इट ऑन डेक्स यानी डिसेंट्रल एक्सचेंज पर इसको बाय नहीं कर पाओगे। तो प्रेफरेबल ऑप्शन आपके लिए MEXC ग्लोबली रहेगा इन केस इफ यू वांट टू बाय इट। नाउ कम टू अ पॉइंट, इनिशियली जब सतोशी नाकामोटो ने जो इन्विजन किया था एक डिजिटल करेंसी को विच इज बिटकॉइन, और जो आज की डेट में सब टॉप पे है, अभी तक उसका जो क्राउन लेवल है वो किसी ने क्लेम नहीं किया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन आई विच इज द बेसिक प्रॉब्लम इज ट्रायलेमा। ट्रायलेमा इन द सेंस तीन चीजें जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसके स्केलेबिलिटी बहुत कम है, उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। अलॉन्ग विद दैट लेटर ऑन एक और क्रिटिसिज्म ऐड हो गया, जैसे जैसे उसकी माइनिंग की डिफिकल्टी बढ़ी कि माइनिंग में जो पावर कंज्यूम होती है वो भी एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा हजार्डस है। हजार्डस होने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर मैं बात करूं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज या इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, जो मतलब लाइक एशिया रीजन में काफी सारी डेवलपिंग कंट्री है, तो वो कंट्री मोस्टली रिलाई करती है कोल पावर पे, यानी कोल से जनरेट होती है बिजली उस पे। पहले कोल को बंद किया जाता है, उससे फिर वाटर को हीट किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम से टर्बाइन रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेटर ऑन अभी अगर करंट सिनेरियो देखोगे इंडिया में तो इंडिया मतलब हैवीली ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एंड इवन द हाइड्रो पावर ऑल्सो, बट धीरे धीरे करके वो कोल जो कोल से जो जनरेट होती थी बिजली ऐसे पावर प्लांट्स को बंद करता जा रहा है। नाउ कम टू अ पॉइंट, ये डिफरेंट टॉपिक है लेकिन इसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंट है उसके लिए हैजर्डस हो जाता है। तो फैंटम गोस्ट स्टॉक देख करके जो एक रिसर्च पेपर था विच जिन्होंने क्या किया था, इस जो प्रॉब्लम है जो ट्रायलेमा को टैकल करने के लिए एक पोटेंशियल सॉल्यूशन गोस्ट टेक का यूज उन्होंने सजेस्ट किया था एंड दिस पेपर रिसर्च पेपर वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 2021 एंड इसी को इनविजन करके एक क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई जिसका फेयर लॉन्च हुआ और वो है कैस्पा। कैस्पा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अरेबियन जो लैंग्वेज है उसमें एक्चुअली इसको बोलते हैं सिल्वर, और ये इनका मानना है कि जैसे बिटकॉइन गोल्ड है तो ये कैस्पा कैन बिकम द सिल्वर, बिकॉज अर्लियर अगर एंशियंट टाइम पे देखा जाए तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मोस्टली रहते थे दैट वॉज गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ व्हाट इट डज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कई बार होता है कि जो पैरेलल में अगर ब्लॉक जनरेट होते हैं तो उनको क्या करता है, मतलब जो प्रूफ ऑफ वर्क वाले मोस्ट ऑफ द जो कॉइन्स हैं वो इसको अबेंडन कर देते हैं, ऑर्फन कर देते हैं, बट एक्चुअली ये फोर्स करता है उनको को एग्जिस्ट करने के लिए एंड विद द सेम मतलब सिनर्जी विद एग्जिस्टिंग ब्लॉक जो उस टाइम पे जनरेट होंगे पैरेलली, ये क्योंकि पैरेलली कई सारे ब्लॉक जनरेट कर सकता है अप टू 18 ब्लॉक, तो इसकी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है एंड एक इसका जो ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है वो भी बहुत कम है, नियरली अ सेकंड, और एक एक ब्लॉक में 400 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो इस वजह से स्केलेबिलिटी वाले फैक्टर को टैकल करता है बाय यूजिंग द सेम प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम जिसकी वजह से ये कर पा रहा है। अगर इसका एक्चुअली में देखा जाए प्रूफ ऑफ वर्क को मतलब जो वर्क, तो प्रूफ ऑफ वर्क से थोड़ा एडवांस ऑप्टिकल प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है विच इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर दिस।
नाउ कम टू अ पॉइंट, अगर कास्पा के बारे में अगर आपको जाना है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी। जैसे 400 ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक में कर सकता है, वन ब्लॉक पर सेकेंड इसका लाइक 1 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट कर देता है। इट मतलब 18 ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियस पैरेलल ब्लॉक्स, मतलब पैरेलल ब्लॉक्स 18 एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड कितनी उसमें ट्रांजेक्शन हो सकती है यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि एक ब्लॉक में 400 प्लस हो रही है तो 18 में कितनी होगी दैट वी कैन हैव। नाउ ऑब्वियसली दे आर सेइंग दैट दे आर टैकलिंग द ट्रायलेमा। ट्रायलेमा एंड जो तीन मेजर फैक्टर जो ब्लॉकचेन के बारे में कही जाते हैं। इन केस अगर आपको इसको माइन करना है तो इसका हैशिंग जो मतलब एल्गोरिदम है दैट इज की हैवी हैश एंड इट इज मच डिफरेंट देन द बिटकॉइन। बट बिटकॉइन का अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो दैट इज SH256 एंड बहुत सारे अदर माइनेबल कॉइन है, कोई स्क्रिप्ट यूज करता है, कोई अदर मतलब एल्गोरिदम को यूज करता है। तो जिस भी एल्गोरिदम को यूज करता है उसी के रिगार्डिंग जो कह सकते हैं जो माइनिंग के स्पेशल इक्विपमेंट बनते हैं जिससे उनकी माइनिंग भी की जाती है। आज की डेट में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है वो स्पेसिफिकली डिजाइन जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है उसी की वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड ASIC माइनर्स। ना ब्लॉक का टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैक्सिमम सप्लाई 28.7 बिलियन हो सकती है। तो अगर मैं इस पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे देन वी विल गेट टू नो कि कितना मतलब कितने टाइम पे कितनी इसकी सर्वर सप्लाई होगी। सो व्हाट दे आर क्लेमिंग टू बी फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन, इंस्टेंट कंफर्मेशन एंड दे हैव द स्केलेबिलिटी बिकॉज ऑफ द पैरेलल एग्जिस्टिंग द ब्लॉक्स, जिसकी वजह से इनकी स्केलेबिलिटी काफी बेटर है। नाउ कम टू अ पॉइंट माइनिंग। माइनिंग में उन्होंने एमिशन शेड्यूल दिया है कि लगभग इस तरह से जो कैस्पा है वो सर्कुलेशन में आएगा। कैस्पा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कैस्पा का जो जैसे बिटकॉइन की हालविंग होती है वैसे कैस्पा की भी हालविंग होती है। हालविंग किस तरह से होती है, जैसे कि जितना भी एक साल में घटेगा उसका जो एक महीने का फ्रैक्शन होगा वो महीने में घटता जाएगा, यानी एक स्मूथ ट्रांजिशन होता जाता है और डे बाई डे कैस्पा का जो न्यू एमिशन है वो घटता चला जा रहा है। एंड जैसे जैसे नए मतलब कैस्पा का एमिशन घटता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा टाइम लगेगा इसको जिसकी टोटल सप्लाई है वहां तक माइन होने में। GPU एंड FPGA जो मतलब हार्डवेयर है उनको यूज करके आप इसकी माइनिंग कर सकते हो। एंड नाउ कम टू अ पॉइंट, इफ इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू माइन, देयर सो मेनी माइनिंग सॉफ्टवेयर दे हैव प्रोवाइडेड, इनको यूज करके आप इजिली अपने हार्डवेयर से कनेक्ट करके माइन कर सकते हो। माइनिंग पूल्स भी अवेलेबल है। जनरली देखा जाता है कि पूल्स में माइन करना बेनिफिशियल रहता है कंपेयर टू सोलो माइनिंग के, क्योंकि सोलो माइनिंग कई बार होता है ज्यादा टाइम लग जाता है एंड जरूर नहीं आप नया ब्लॉक फाइंड ही कर पाओ, यानी आपका जो सिस्टम वो फाइंड कर पाए। तो पूल में जो शेयरिंग में रहता है उसमें आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। माइनिंग के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए अगर आपको इनकेस माइन करना है ताकि आपके लिए ईजी रहे उसको सेटअप करना। ना कम टू टोकोनोमिक्स पार्ट, अगर टोकोनोमिक्स में देखोगे तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि टोटल जो सप्लाई यानी मैक्सिमम सप्लाई है वो रहेगी 28.7 बिलियन एंड इट विल टेक सेवरल ईयर्स यहां तक माइन होने में, उसको बहुत टाइम लगेगा। अब एक यहाँ पे चार्ट भी प्रोवाइड किया जिसमें कैस्पा का इमिशन शेड्यूल है। इनिशियली कैस्पा का इमिशन बहुत ज्यादा है यानी 500 कैस्पा पर सेकंड के हिसाब से, तो इनिशियली जो जीरो से स्टार्ट हुआ और फिर एकदम से बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में जो आई है सप्लाई, मतलब एक साल में लगभग 6.5 बिलियन सर्कुलेशन में आ गई। लेकिन इसने जो इतना ज्यादा रिटर्न जनरेट किया ना उसका रीजन भी यही है कि बिल्कुल एकदम फेयर लॉन्च हुआ और बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ। ना अगर हम देखें तो 2023 के एंड तक और 2024 की शुरुआत तक लगभग सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो नियरली आप ऐसा समझ लो 23 बिलियन ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। वैसे यहाँ पे देखोगे तो 2024 के फोर्थ मंथ में नियर अबाउट जहाँ पे बिटकॉइन की हल्विंग के आसपास इसकी सप्लाई लगभग 23 बिलियन होगी। तो हम 23 बिलियन का फिगर लेके चलेंगे व्हेन वी विल डू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जो आपको क्रोमेटिक फेज देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का, उस हिसाब से कैसे कैसे मंथ वाइज इसका जो इमिशन है वो घटता जाता है दैट यू कैन सी इन द चार्ट। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दैट इज मे बी ऐसा हो सकता है ये ग्रीन कलर में हो सकता है आपको कहीं ब्लैक ना दिख रहा हो, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम यूजिंग द क्रोमा की। सो जो एक्चुअली यहाँ पे दिए मतलब जो कैस्पा पर सेकंड जो इमिशन है और आप यहाँ से इस चार्ट में आप ओपन करोगे इमिशन शेड्यूल, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। आप ऐसा फिगर ध्यान रखोगे 23 बिलियन उस टाइम पे लगभग सर्कुलेशन में होंगे। अगर रिसेंट अपडेट देखें तो देयर सो मेनी ट्वीट्स विच दे हैव डन अबाउट लाइक किस तरह से बेटर है MEXC ग्लोबल के साथ, इनकी EMS सेशन हुआ है कुछ जगह पे, पेमेंट मेथड के तौर पे भी एक्सेप्ट हुआ है बाय मीन्स ऑफ क्रिप्टो चेकआउट, जिसकी वजह से ये पेमेंट मेथड के तौर पे कई जगह यूज किया जा सकता है। ना कम टू पार्ट ऑफ प्राइस प्रिडिक्शन, कितना जा सकता है एंड आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो पहली चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है कि प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है एंड डेफिनेटली जैसे ही ग्रो करेगा वैसे वैसे आगे चल के, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है क्योंकि आगे चल के इसको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, पॉलीचेन इज ऑल्सो इन्वेस्टर इन दिस पर्टिकुलर कॉइन। एंड अगर इसके की फीचर्स की बात करेंगे तो डेक्स टोपोलॉजी, ब्लॉक जो ब्लॉक डाटा प्रूनिंग है वो भी इसका की फीचर है, एसपीएफ प्रूफ भी इसका की फीचर है। नाउ कम टू प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट, के कितना जा सकता है। देखो जो गेम हो गया वो आगे होगा ऐसा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है। रीजन है क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से अभी तक यानी 130 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप में आते आते इसने मोर देन 100 एक्स रिटर्न जनरेट करी है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि अगर यहां से एंट्री लेके अब आप एक्सपेक्ट करो कि आगे 10x 20x करेगा, इवन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस कॉइन एंड आई विल टेल यू व्हाई। दूसरी चीज, अगर किसी पर्सन ने बहुत इनिशियल स्टेज में होल्ड कर लिया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर यहां से इवन 2x भी करेगा यानी ऊपर जाएगा तो उसके लिए तो 200x हो जाएगा क्योंकि उसने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होल्ड किया इसको। कितना जा सकता है, तो दो सिनेरियो हम कंसीडर कर रहे हैं। पहला तो पहले इसके वेरिएबल कौन से थे, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है एंड आगे चल के प्रूफ ऑफ वर्क वाले कॉइन्स को डेफिनेटली क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, इन पर गाज गिरनी है, आज नहीं तो कल नहीं तो वाला कुछ महीने बाद कुछ साल बाद, लेकिन ऐसा होना ही है, ये चीज माइंड में रखो। बिटकॉइन को लोग डिफेंड कर लेंगे लेकिन इसको मतलब सब सारे कॉइन्स को डिफेंड नहीं करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है। दूसरा जो है एक जो रिसेंट सिनेरियो है एफटीएक्स के कलेप्स होने के बाद एंड इवन जो मार्केट में जो उथल पुथल हुई है उसके बाद एक नया एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, पहले भी था इवन मोर स्ट्रॉन्गर और ज्यादा लोग उसमें ज्वाइन हुए, दैट इज बिटकॉइन ओनली सेंटीमेंट, यानी दे विल ट्रस्ट ओनली बिटकॉइन फॉर द लॉन्ग टर्म रादर देन अदर कॉइंस। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि बिटकॉइन को काफी ज्यादा मतलब बिटकॉइन ओनली सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, नॉट अदर क्रिप्टो करेंसीज आर इंक्लूडेड इन इट। एंड तीसरा फैक्टर जो ध्यान में रखना है मतलब वो है कि दो सिनेरियो कंसिडर किए हैं, एक तो कि अगर इतने ही सेंट्रल एक्सचेंज पर रहता है देन, एंड अगर इसको बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल जाती है देन, क्योंकि उसके बाद जो सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर इतने ही मतलब सेंट्रल एक्सचेंज रहते हैं एंड इसी हिसाब से क्योंकि इसमें एमिशन चलता रहेगा सप्लाई बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप टू 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसके लिए पॉसिबल है एंड 500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करेगा उस हिसाब से देखा जाए तो नियरली आप ऐसा समझ लो विद रेस्पेक्ट टू एट दैट टाइम 2024 में सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उसको ही फिगर को ले रहे हैं 23 मिलियन, तो उस हिसाब से 0.021 डॉलर पर ट्रेड करेगा क्योंकि जो सप्लाई वो 2024 तक हो पाएगी एंड स्लोली इमिशन होता जाएगा। सो इन बिटवीन टाइम में आप उसे 0.021 से भी ज्यादा की रेंज में ट्रेड करते हुए देख सकते हो, दैट इज फाइन, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ना। अगर ऐसा होता है तो होल्ड करने लायक है, डेफिनेटली नहीं, नियर टू 3x पोटेंशियल बनेगा, दैट इज नॉट फेवरेबल। अगर इसको बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल जाती है एंड बड़े बड़े सेंट्रल एक्सचेंज लिस्ट हो जाता है देन 1 बिलियन डॉलर तक की मार्केट कैप आराम से अचीव कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू द सेपरेटिंग सप्लाई, यानी 23 बिलियन रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 0.042 डॉलर पर ट्रेड करेगा। एंड क्योंकि इसको 2024 तक इतनी सप्लाई पहुंच पाएगी और बीच में सप्लाई कम होगी, जैसे अभी 14 है, 14 से 24 का सफर मतलब इन 2 साल में तय करेगा, तो इन बिटवीन टाइम में आप इसको 0.1 डॉलर या 0.11 डॉलर तक भी ट्रेड करते हुए देख सकते हो अगर बड़े सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग मिली तो। उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग के लायक अभी नहीं है कॉइन एंड आपको इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड नहीं करना चाहिए, यू शुड अवॉइड इट। एंड जिन्होंने जो रिटर्न जनरेट करना था वो ऑलरेडी कर लिया काफी हद तक एंड आगे इतना ज्यादा इसमें रिटर्न देने की कैपेसिटी अभी नहीं है। So that's all for today. I hope you like the video. Video, check video like. Jaru kar hai and make sure you subscribe the channel. Thank you, guys.